जय जगन्नाथ। बादीपाला मंच को पूर्व भि मोर माँ और भाई मान को स्वागत करुच्ची। प्रथम पर्यायर आपण मैंने देखी जे भगवान श्रीकृष्ण किभली सुंदर भाव अवस्थान करुंट द्वारका मथुरा छाड़ी द्वारका नगर अवस्थान करो द्वारका नगरी सुंदर वर्णना दुई गायक आमको देटा आम जाचे। किंतु सुंदर द्वारका नगरी रे असुंदर कथा भली जना पड़ुछ जे ब्राह्मण जड़े योगी तपस्या कर्मरत रही तार पुत्र प्रथम जात हो मृत यही परिवेश ज्ञानप्रिय कानुनगो अच्छा वर्तमान सात जन जाक के पछकु पछ से जमर शिकार होती कौन घटव से आमको जनइबे। जय जगन्नाथ। ज्ञानप्रिय कानुनगो चिन्हिछि मु नीलगिरी बाबा कालिया रे तोते चिन्हिछि मु नीलगिरी कालिया रे तोते चिन्हिछि मु नीलगिरी जगत लोकंकु भंडी भाग खाओ हांडे हांडे जगत लोकंकु भंडे भोग खाओ हांडे हांडे बड़ भाई नाम गुणी कबर के मन दे सुन न्याय मान द्वारकापुर दरिद्र ब्राह्मण तोते चिन्हे छे मो नीलगिरी जन्म मात्रे संतान आज्ञा द्वारकापुर जोठी जमर भय नहीं जोटी जम पुरु पुत्र मान को फेरे आनी भगवान को द्वारा विरचित जो पुर से ब्राह्मण पिला जन्म मात्र उभान ही वाला हरम चले जहा आपण माने प्रतिपक्ष गायक शुणिले कहले ज्ञान भाई ज्ञान जमा ना नाटा खाली ज्ञान ना कौन हब सान भाई तमे तो मूले भागवत पढ़ीना ना ही थब सुबास चंद्र देह छाड़ू थब गंध ना ही थब त्रिलोचन तम देखला बेलू त्रिलोचन तीन लोचन देखला बेल को मूल रूप पढ़ा ना ये ब्राह्मण पिला जन्म हला मात्रे उभे गला गोटे नुह दुईटी नुह गोटे पर गोटे संतान केवल प्रसूति गृह कुआ ध्वनि समस्ते शुणिले नेउरा हला हे स्वामी यहारो प्रतिकार पाई तमें टिके आम राजा को कहन तो नहीं सी निश्चय चाहिले आम पिला रक्षा है जीवो मो पिला कुआडे चली जाउची केवल कुआं ध्वनि सुबुची ब्राह्मण से दिन द्वारका राज दरबार रे पहुंची अनुनय होउछंती भगवान को दिन कृष्ण दास आरत त्राण चौतीसा आउ नाकर फूल को नहीं कि पादे रे झुंटिया करिवो से कौन हबो पोड़ी देलो पोड़ी देलो घोषी जाऊ सुनो पोड़ी देलो कौन कहिले दिन कृष्ण दास ब्राह्मण हाथ जोड़िले निरेख निस्तार समय रे निरेख जन थारे
छ हे महाप्रभु नीलाचल रे तुम्हे थिबो ये निरेख जन नाश जीव ये निरेख जन नाश जीव द्वारकार राजवाटी रे पहुंची राज दरबार रे पहुंची प्रभु को अनुकंपा भिक्षा करुचंती ये निरेख जन नाश हे जीव हे प्रजावत्सल राजा मु जने दिनहीन ब्राह्मण मो संतान जन्म मात्र केवल कुआं ध्वनि सुबुचि किए मो पिला को अपहरण करुचि आदेश बिहिले द्वारका ठाकुर हे द्वारका ठाकुर हे द्वारका ठाकुर प्रद्युम्न सम्भ वीर प्रद्युम्न सम्भ वीर प्रद्युम्न सम्भ वीर ब्राह्मण संतान रक्षा कर जाए रे रक्षा कर जाए रे रक्षा कर जाए आउ तुम्हार बल संपादाए नो आदेश बिहिले द्वारका ठाकुर हे प्रद्युम्न सम्भ निरुधा देवीर तमे तमे कळ बळ कौशल खटाई ये ब्राह्मण रो पिला रक्षा करो किए मो राज्य रे मिति करूछि तमे तार प्रतिकार व्यवस्था करो हे सज्जन समस्त वीर माने गले हेले कौन केही समर्थ हेले नै ना सुबिला कुआं ध्वनि सुबिला कुआं ध्वनि उत्त पड़े ओ बनी अबनी रे पड़िला कुआ ध्वनि हला पुनर्बार सैया हौछि पुआ कुआडे अंतर्ध्यान हे गला पिला आउ केही कुआडे जत्ते बिर जगी थिले केही आउ पाइले नै पिला कुआडे जाउछि कुआडे जाउछि पिला ब्राह्मण ब्राह्मणी एई थोर निराश हेले कहले हे रे राजा एत्ते बिर मानुकु पठैले तथापि मो पिला रक्षा हाई पारला नाही ब्राह्मण ब्राह्मणी पहुंचिले पुनर्बार द्वारका सभारे ब्राह्मण अनैले कहले मु सुनी थिली जहा अयो तमे गुटाए राज शासन करिवो तम राज्य रे ये ब्राह्मण न्याय पाइबो नाही मोर आठटा पिला किए कुआडे नहीं जाऊची तमे कुआडे द्वारकार ठाकुर मु कानरे सुनी थली जहा आज भाबुची सेया कोनो कहला हे तम वंश परिवार रे किए राजा हेथला गोपाल घरे मौर घर पिला कोन राजा हलाणी अयो तमे राजा हेचो द्वारकारे तमे राजपद रे बसिबाकु तम योग्यता नाही ब्राह्मण को न्याय देई पारुना तम राज्य रे जदि ब्राह्मण आदि शोषित लांछित अपमानित होउची ताले तमे राजा थाई कोन लाभ लाभ नाही लाभ नाही तमे राजा थाई लाभ कोन ना ना तमे राजा हेई पारिबो नि जेत्ते अपकर्म करिछ जीवन रे निज मामु को त मारी छ मंचा तारु गोडा हे दे ओ गोपपुर संडा माइल संडु को गोपाल घर बढ़िल तमे जादव कूल संड मारु पोड़ी दे संडेनु बका शेष निज मामू को भी छाड़ना तमे तो ये अपकर्म कर तमे कौन मत न्याय दब द्वारका राजसभा रे से दिन दैवत उपवेशन करिछंती येसे
तृतीय पांडव वीर धनंजय पंडुसुत अर्जुन अर्जुन भले हे ब्राह्मण क्रोध शांति करंतु अपमान दियंतु नाही मो सखांकु कौन भाई अपमानित करंतु नाही द्वारकाधीशंकु रागी छंती ब्राह्मण अर्जुन हाथ जोड़िले ब्राह्मण देवतांग पाखरे भागवत कहिले परा गुरु ब्राह्मण पिता माता ब्राह्मण पिता माता ए चारि मर्त्यर देवता हे ब्राह्मण गोसाई क्रोध शांत करंतु आपणकर जहा असुविधा हेछि मु कथा दउछि तू किए कला ए सभा रे एते लोक बइचंदी काई कहारी पाटरु कथा बारुनी तू कोन आगुआ पड़ी ए बाबू तू के तमे किए ना मु किए अर्जुन कहिचंदी मु किए ना मु अर्जुन फाल्गुनी पार्थ बइरी अंत कबीर मो संतान रक्षा करिवारे केही समर्थ हेले ना तमे गुटा नुआ वीर किए बाहरलो तमे कौन कौन करिचो मो सभ्य साची विजय मो पाखरे गांडी बधनु मो दिति कृष्ण मु कौन बर्णी संतोष रे भय खंड भवन रे पार्थ मु मु कृष्णार सेमर काल रे लाख बिन्नी थिली शिवं को अनेक हैरान करी छी देखिबि किए तम पुत्र को नउची एथरो तम पुत्र रक्षा करिवार दायित्व मोर ब्राह्मण हसिले कहले केते कुआडे किए गलेडी एमते केते गलेडी काई महास्फोट मारुच अर्जुन कहले ना मो सखांगर निंदा मु सही पारिबि नै हे ब्राह्मण सत्य जदि जळ अनळ ग्रह राजत पना रे ग्रह सत्य सत्य त्रिबार सत्य मुहे करो तेरे सत्य मुहे करो ते आउ कोलिले मोसिर कमल जीवे सत्य कहो तेरे ते सत्य 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 त्रिबार सत्य करूची दरकार पड़िले मो शिर कमल विनिमय रे मु तम ब्रा पुत्र को निश्चय रक्षा करी आज्ञा उत्तम जोग रे ब्राह्मणी तो एबे पुनर्बार गर्भवती हो गर्भवती अर्जुन कथा दे चंती आज्ञा ब्राह्मण रो पुत्र निश्चय रक्षा हबो सत्य वचन अन्यथा हबो नै पंडुसुतंकर प्रसूति गृह प्रस्तुत हेछि ब्राह्मणी प्रसव करिवे प्रस्तुति प्रसूति गृह रे आगरु जो अघटन होउछि तार आ पुनरावृत्ति हबो नै अर्जुन चारि पट जाक सरबंध करि चंती बाड़ बाड़ करि देले केहि कुआरे पसि पारिबे नै दक्ष शिल्पी गण मिली अटारी गढ़िले अटारे गढ़िले अटारे गढ़िले शिल्पी माने अट्टालिका तैयारी कले चौदिगरे चार माने जगी किरी अछंती चारि आडे जगी रहिले हस्तरे धनु धरी प्रस्तुत हेछंती तृतीय पांडव धनंजय देखिबि किए आसे मो सखांग राज्यरु ब्राह्मण पिला को हरण करू देखिबि
प्रस्तुत हेचंती धनुसर धरी हेले सुभिला कुआ धोनी पुत्र पड़े अवनी सुभिला कुआ धोनी पुत्र पड़े अवनी तक्षणे हेला अंतर ध्यान पुणी सही कथा हला पिला जन्म हला कुआ धोनी सुभिला पूर्णी पिला कुआडे अंतर ध्यान है गला अरे कुआडे गया बे यहां जी जानी हो नहीं हे सज्जन एबे सत्य करी थवा अर्जुन जगी रही थवा अर्जुन को पाखु ब्राह्मण आसीले हां कहले ओ वीर ओ तृतीय पांडव धनंजय हां केते परा कथा देइथलो हां बरा केते कुआडू कौन गपिल केते कहिल ये सन भाई त्रिलोचन बेहरा भलिया कहला भाई छांद बोलिले सीना हब मोर छांद अर्थ भूल हूँ पद्म पद्म जहि अक्षत्म गिर तुमको शुभु नहीं केते कुआडू कौन गपिल एसा करी तेसा करी कहीं तम कम कहीं तमें कहल मो पा को रक्षा कर ये तो पूरी फसर फाटी गला ब्राह्मणी संतान प्रसव होता बेले संतान कुआडे चली जाउ पूर्ववर्ती पर्यायर द्वितीय पर्यायर मोपाई प्रतिपक्ष गायक सान भाई त्रिलोचन बेहरा प्रश्न टाए रखी थे जे केते दिन परे ऋतुस्नातार केते दिन परे स्वामी स्त्री मिलन हवा विधेय कपट पोषा बहिरे भीमसेन दास द्रौपदी बोले प्रथम दिन रे रजवती जेबे होई पुरुष नारी को छुईले भग्न दोष पाई द्वितीय दिन प्रथम दिन रे नारी अंग छुईले लिंग भग्न दोष द्वितीय दिन रे गो हत्या दोष पुरुष को लगे तृतीय दिन रे नारी को छुईले ब्रह्म हत्या दोष होई अरे ब्रह्म हत्या दोष होई अरे भल ब्रह्म हत्या दोष होई चतुर्थ दिन रे बाल हत्या दोष चतुर्थ दिन रे बाल हत्या दोष पंचमे मातृ हरई रे दिन रे यही प्रकार रे तृतीय दिन रे ब्रह्म हत्या दोष चतुर्थ रे बाल हत्या दोष पंचम षष्ठ रे मातृहरण दोष सप्त दिन रे नारी अंग शुद्धि हेला परे एबे संतान पाई स्वामी स्त्री मिलन हबा शास्त्र समस्त विद्या प्रश्न उत्तर सान भाई सरला एबे कथा अर्जुन कथा दैचंती ब्राह्मण पिला रक्षा करी पाले नी ब्राह्मण कहउचंती जहा कहिल करी पाले नी ना मु अर्जुन दसुटा ना अर्जुन गोटाए मु कहिछि सभ्य साची आउ नौटा ना कहिबो प्रमाण सहकारे अर्जुन नौटा ना कहिबो गोटी गोटी करी नौटा ना कहिबो अर्जुन ब्राह्मण कुमार को रक्षा करी पारी नाहंती सत्य भग्न करी थिवारु आउ जीवन रक्षा करी पारिबिनी ए मुह कहा को देखै पारिबिनी एबे अग्नि प्रस्तुत करी अर्जुन आत्मविसर्जन पाई प्रस्तुत हेले अर्जुन पूर्वंशे जात Oh।
असुकृत गौरव नाश कली परंपरा आउ जीवन रखिबिनि ना आत्म विसर्जन करिबि अर्जुन अग्नि प्रज्वलित करै छन्ति अग्नि जात वेद हुतासन अग्नि प्रज्वलित हेलेनि अग्नि पाखरे ठिया हाई छन्ति आत्म झास देबे ब्राह्मण कुमार किए हरिनला केमिति फेरी आसीबे हो से आसीबे भगवान श्रीकृष्ण पाखरे ब्राह्मणी कथारे ब्राह्मण आसी द्वारकारे पहुँची तार जो दुख जनईला एवं भगवान को जो धिकार कला से अर्जुन व्यथित हो प्रभुंकर जो धिकार है प्रभुंकर नाँ से जो निंदा है से मु उद्धार करी प्रथम आग मत से सुजोग दियो किंतु से सुजोग ब्राह्मण जो संतान गोटिक पर गोटे गले से रक्षा कर पारे ना ब्राह्मण अर्जुन को घोर धिक्कार कला कृष्ण को तो निंदा करथिला अर्जुन को धिक्कार कला तेणु अर्जुन प्रभुंक निंदा निजर गांडीवधन निंदा गांडीवधन को निंदा कर गांडीवधन निंदा या सही पारी अग्नि रे प्रवेश करने को जाऊँ भगवान कौन तक अग्नि पशिया को देबे भगवान चाहिथिले अर्जुन जहाँ को से निजर कला दे निजे तार कार्य करू किंतु कला नहीं द्वितीय कृष्ण बुलाऊ अर्जुन निजे निजे पारे ना भगवान समर्थन बिना साहय बिना मनीष सहजरे हुंकार मारले मध्य कार्य करी पारे ना द्वितीय पर्याय काम ता देखिबा आज की कलु आज की बुद्धि कलु श्याम बंधु प्रेमे किंपा मजिलु रे आज की कलु आज की बुद्धि कलु श्याम बंधु मोर ज्ञानी गुणी विवेक महोदय विचार करंतु शेष पर्यायर आम पहुंचे शेष पर्यायर मो बड़ भाई ज्ञान भाई ब्राह्मण आ ब्राह्मणी गोटा गोटा कर आठटी संतान उभागले भगवान कृष्ण राजुति काल
भगवान कृष्ण राजुति काल गोटे नुहे दुईटी नुहे आठ आठटी संतान चलीगले राजा हौचंती किए से ना भगवान कृष्ण आपण मान स्वभाव कवि मेहर कहती कहले हृद पछे जले ये विद्युत नोले ये जल दाने घन कृष्ण राजा हृद पछे जले विद्युत नले जल दान घन बाध्य वर्षार शरीर विद्युत नले जलीगले वर्षा हवापाई मेघ हवापाई से बाध्य भगवान कृष्ण ब्राह्मण ब्राह्मणी जनईले निजर पुओ को पठैले प्रद्युम्न को अनिरुद्ध को पठैले से चतुर्पाश्व बाण कर जगिले हेले एभली माया ब्राह्मण ब्राह्मणी को पिला पुणी कुआडे चली गेल ये कृष्ण को निंदा कले ब्राह्मण ब्राह्मणी ये पिले चुरे हे मोर ज्ञानी बापा मान विचार करंतु भगवान कृष्णनाथ को निंदा कले ब्राह्मण ब्राह्मणी अर्जुन आ सही पाले कृष्ण को निंदा को सही पाले अर्जुन डाकिले कृष्ण बोले प्रभु तोर अशेष रूप अशेष महिमा अशेष रूप अशेष महिमा आउ विशेष करी कहू नाही जमा विशेष करी कहू नाही जमा शेष महेश लोकेश्वर क्षमा हे मोर ज्ञानी गुणी विवेक महत विचार करंतु कृष्ण निंदा अर्जुन सही पारले सत्य करि देले तीन बार हे ब्राह्मण एणिकि मो कृष्ण को तू निंदा कर आउ गोटे हेले संतान तोर मरिबे निजे अर्जुन सत्य कले जेतेबेले सत्य रक्षा न करि पारिले डाकिले ब्राह्मण कहले अर्जुन तमे परा कुआडे क्षत्रिय एड़ा बड़ पुण कर मो भाई पचारी अर्जुन दस ना अर्जुन फाल्गुनी सव्यसाची किरीटी धनंजय पार्थ विजय दीतिकृष्ण अने दस टी ना तमे एत गुड़ाए ना बही कौन आज फेल नीरव होती अर्जुन कथा रक्षा मुहपति छिड़ाई अर्जुन सत्य सारंग मनुष्याण बाच सारंग बाच विचलित जेनंग मु सत्य रक्षा करि पारिलि एडा बड़ सत्य करथिलि ब्राह्मण संतान को रखिया पाई मु रखि पारिलि कृष्ण आ अर्जुन ब्राह्मण को ठारु निंदित होई जाउछंती कोठिकी ना क्षीरोत्थी तटैया पाख जोठी निराकार विष्णु अच्छंती तांकरी पाखु जिबे मायाधर माया रचना करिछो कृष्ण आउ अर्जुन डाकी डाकी प्रभु को रथटा चलीछि दक्षिण दिग को कृष्ण अर्जुन रथ रे बसिछंती दक्षिण दिग को रथ चालुछि आठटा पिला नष्ट होइ जाइछंती ब्राह्मण ब्राह्मण कांदुछि कृष्ण अर्जुन रथ नै कि जाउछंती क्षीरप्ति सागर पाख डाकी डाकी प्रभु को कवि सूर्य बलदेव रथंकर रत्नाकर चंपू पद बोलुछि तनया
बंधु हे हे खीराधी तनया बंधु हे हे खीराधी तनया निवारण हे श्रुति बंदे श्रुति नीति श्रुति बंदे श्रुति नीति आज अभय चरण हे अम्बु बाह वरण अम्बु हरि धारण अम्बु बाह वरण शरण हे खीराती कृष्ण आउ अर्जुन क्षीराब्दि सागर निकट रे डाकिले जाई प्रभु प्रभु डाकिले जाहंकर पाद तल रे जहाक पाद को मंचलना करूछंती मां लक्ष्मी ठाकुरानी एतिके बोले हेला कोन कृष्ण आउ अर्जुन अर्जुन दक्षिण दिग को जाई समुद्र कूल रे क्षीराब्दि तट निकट रे भगवान विष्णु को प्रार्थना करपस्या कर तपस्या जो कले तपस्या जगार एणे कौन आठ संतान चली जा ब्राह्मण ब्राह्मण धिकार करी कहिछो अर्जुन को कृष्ण अपमानित पाई कृष्ण अर्जुन पहुंच जाइछंती भगवान विष्णु को तपस्या करिया तपस्या बाप कोउ जगह रे करा जाय कहले गोशाले अंगुरु गृहे देवगारे चकानले हे पुण्य क्षेत्रे तथा उद्याने नदी तीरे चमंत्र विधि समीपे च पर्वताग्रे गृहस्तु च ये गंगायास्तु तटे बापी कोटि कोटि पुण्य भवा कौ जगार तपस्या कले भगवान आसी पहुंचंती संतुष्ट होंती प्रभु गोशालयं गुरु गृहे गाई गुहार तपस्या कले भगवान सिद्धि हाँ। गुरु घर तपस्या कले भगवान आसंती गोशाले गुरु गृहे देवगार चोकान देवालय तपस्या कले तपस्या सिद्धि कानन तपस्या कले तपस्या सिद्धि भातृवील समीपे भातृ योला वृक्ष मूल तपस्या कले तपस्या सिद्धि बिल वृक्ष मूल तपस्या कले तपस्या सिद्धि भातृवील समीपे पर्वताग्रे गृहस्थ च पर्वतर अग्रभाग तपस्या कले तपस्या सिद्धि पर्वतर गुंफार तपस्या कले तपस्या सिद्धि नदी कूल तपस्या कले तपस्या सिद्धि यही जगह मान करे तपस्या करा जाए यठी भगवान कृष्ण जी षोल कला लेके आछंती से मायाधर आज डाकुछंती ठाकुर को ता माया को किए जाने ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कहले कहले तो माया तोते अगोचर हे अगोचर
ଏତେ ଲୀଳା କଲେ ଗୋପପୁରରେ ରହି ତା ମାୟାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯାହାକୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପର୍ବତ ଜଳେ ଭାସ ଈଶ୍ୱର ମତ, ଜଳେ ଭାସ ଈଶ୍ୱର ମତ, ଜଳେ ଭାସ ଈଶ୍ୱର ମତ। ହେ ମୋର ଗୁଣି ଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପର୍ବତ ବି ସୋଲ ଭଳି ଭାସି ଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡାକିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏକା ବୋଳେ ପଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ, ପଡ଼ିଲେ ପାଦ ତଳେ, ପଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇ ଯାଇ ରଥଟା ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କାହିଁ ଗଲେ? ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ, କାହିଁ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେନି? ଉତ୍ତରକୁ କାହିଁ ଗଲେନି, ଦକ୍ଷିଣକୁ କାହିଁ ଗଲେ? କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆତ୍ମଧାସ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାରଥିକି ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ନେଇଚାଲ। କାହିଁକି? କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଅସ୍ତୁ ସରସ୍ୟାଂ ଦିଶି ଦେବାତ୍ମାତ୍ମା ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଦି ରାଜ ପୂର୍ବା ପରତ ନିଧି ବଗାହ ସ୍ଥିତ ପୃଥିବୀ ମାନଦଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଅଗାଧ ଜଳରାଶି। ଏଇ ଅଗାଧ ଜଳରାଶିରେ ଗଲେ କ୍ଷୀରସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରେଇବେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଥଟା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନେବା ପାଇଁ। ଯାଉ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଥ ଗଲା? ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, ହରି ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାବଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଯୋଡ଼ିଏ ନୁହଁ, ଆଠଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, କୁଆରଳି ଶୁଭୁଛି, ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛି, ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ସେଇଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ସବୁ ହଉଛି ମୋରି ମାୟା। କାଇଁ ମୁଁ ମାୟା କରିଥିଲି ନା? ତୁମକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଲ, କଳା ନାଇ ମୋ ଠାରୁ ଗଲ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ରୂପକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖେଳାଳିଳା ଯେତେବେଳେ ତମେ କଲ, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ତୁମରି ରାଜୁତି କାଳରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋ ଲୀଳାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲ, ତାହେଲେ ସେ ନିରୀହ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସନ୍ତାନ ଗଲେଣି, ସେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ କେମିତି? ଧିକାର କରି ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସୋଦିଲେ ମତେ ଛଳା ଚୁଟି କଟା କଳା ବଦନ, ଏତିକି ବେଳେ ତୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏକାବେଳେ ଏତିକି ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, ପଛପଟେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦେଲେ। ଇଏ କେଡ଼େ ନାଟୁ ଆଲୋ, ଇଏ କେଡ଼େ ନାଟୁ ଆଲୋ, ଇଏ ନନ୍ଦ ପୁଅ କଳା ଭାଗବତ କଥା ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି ନୁହେଁ, ନନ୍ଦ ପୁଅ କଳା।
आज समस्त कल्याण करंतु एबे साई नाचु आलो समस्त चलापथ कुसुमित हेउ नाचु आलो कल्याण करंतु एबे प्रभु आहाबा नाचु आलो नंदपुर दिन जन संरक्षण महाबाहु दिन जन संरक्षण महाबाहु आनंद सागर पीर दरबार हरिबोल हूल उड़ी दियो ये विश्व रु दुख दूर अवतारी और अवतार भेट शीर्षक बादीपाला आम देखु ता शेष है दुई गायक भागवत आनी एवं निजर विश्लेषण कई सुंदर भाव को आम आगे देले दुई बादकों मध्य जो पृष्ठभूमि बादन ताम दृष्टि आकर्षण कर दुई बादकों को साधुवाद दे तेबे जो विषय वस्तुटा करागला आमे अवतारी और अवतार यार कथाटा होची भागवत मध्य एक पुराण भागवत जहाँ कहीदेला से कथाटा जनरंजन पाई आसी किंतु वास्तव में देखा गले दार्शनिक चिंता भितर परम ब्रह्म एक जहाँ को आमे कहूचे निराकार कहानी रे हेची आकार होचंती कृष्ण साकार देवता निराकार सठी बसी निराकार भी जी अच्छे केमती रनंत शयन केमती शोबे निराकार कल्पना को आमको भल लगे ना निराकार पूजा आमे आकार वाला मान को भल लगे ना बोली ए चिंता किंतु गोटे निराकार केमती सर्वोत्तम ठाकुर केमती देखापी विष्णु को सब दि जात शयन तेणु ये गोटे रूपक वर्णना जहाँफल भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को निजर उद्धार करवा निम्ते ब्राह्मण समाज चक्षु खोली से माने गोटे रूपक वर्णन भगवान श्रीकृष्ण ताकू नहीं जाइए विष्णु पाक फेरई आने ब्राह्मण संतान से ही रूप को आम कह जगन्नाथ होती षोल कला जहाँ पाखु सब कला जातु निश्चित भाव पुरी में जे विराजमान कर निराकार प्रभु से निराकार चिंता करने जगन्नाथ हाथ ना पद ना तेणु ये दार्शनिक चिंताधारा को गोटाए वर्णना देवाई रूपक वर्णना देवाई मूर्ति कल्पना ये कहानी सर्जना वास्तव में से निराकार किंतु रहमती ना से भली ए आकार को सृष्टि करने से राम कृष्ण इत्यादि इत्यादि हो से आसुंते आसुवे जहाँ से भागवत कहले धर्मर जत ग्लानी हम मु आकार धारण करी तेणु यही कहानी वर्णन आमर यह दार्शनिक चिंताधारा प्रकटित हो सार्थक भाव में आम गायक कर साधुवाद दे प्रार्थना आम आनंदर उत्स।